कोरोना मामला बढ़ने के बाद चीन ने 24 दिसंबर से बॉर्डर सील करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने 8 जनवरी से बॉर्डर खोलने का फैसला किया है। वहीं चीन के जिनजियांग प्रोविंस में कोरोना तेजी से फैल रहा है। वहां एक दिन में कोरोना के 10 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ चीन ने फैसला किया है कि कोरोना से निपटने के लिए फाइजर के कोविड ड्रग का इस्तेमाल शुरू करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में चीन के स्वास्थ्य केंद्रों पर अमेरिकी कंपनी फाइजर के पैक्स लोबिड कोविड दवा का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा और इस पर पूरी ट्रेनिंग मिलने के बाद कम्युनिटी डॉक्टर्स इसे कोरोना के मरीजों में बांटेंगे।